भारतीय समाज में ससुर को पिता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस कलयुग में कई ससुर पिता न बन शैतान बन समाज में रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ही घिनौना वाक्य मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भी सामने आया, जहां कलयुगी ससुर को उनकी बहू ने अपनी अस्मत बचाने के चलते मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बहू ने पुलिस को बताया कि घर में उसके पति के साथ उसके ससुर भी रहते हैं। जब पति काम पर चले जाते थे, तब ससुर बुरी नीयत से कमरे की दीवार में लगी ईंट निकालकर जहां चोरी छुपे देखते थे, वहीं कंकर भी मारते थे। एक दिन ससुर ने शराब पीकर हद पार कर दी और बुरी नीयत से हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगे, जिसके बाद झूमा झटकी के दौरान ससुर नाली में गिर गए। उसके बाद सर पर 3-4 बार पत्थर से मारा, जिसके चलते ससुर की मौत हो चुकी है। बंडलावरा गांव की जो नई बस्ती है, वहाँ पर प्रजापति परिवार में बहू और ससुर का कुछ विवाद चल रहा था। घटना दिनांक 25 को भी सुबह ससुर बहू का विवाद हुआ। दिन में पति काम पे बाहर गया हुआ था, बहू कविता अपने घर में बच्चों के साथ लेटी हुई थी। बहू का ऐसा कहना कि ससुर शराब पी के आया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूर्व से ही एक बुरी नज़र मुझ पर रख के इस टाइप की हरकत करते रहे, जिसको मैं अवॉइड करती थी। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो मैंने उनसे विवाद किया और विवाद होते होते ससुर बहू दोनों घर से बाहर रोड पर आ गए। वहाँ उन्होंने हाथापाई हुई, बहू ने धक्का दिया तो ससुर जो रोड के बीच में कच्ची नाली बनी थी उसमें गिरा, वहाँ कुछ पत्थरों में से चोट लगी। फिर बहू ने भी एक पत्थर उस पर फेंक के मारा जो उसके सर में लगा। सर में चोट लगने से एक्सेस ब्लीडिंग हुई और उससे उसकी